हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा साउथ की फिल्म डीजी के बारे में और ट्यूबलाइट के बारे में। दोनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आपको बताऊंगा और कलेक्शन के मामले में ट्यूबलाइट भले ही बहुत आगे है, लेकिन बजट कम बजट या कम स्क्रीन काउंट उसके अलावा कलेक्शन अच्छा कर रही है डीजे, ऐसा मैं कहूंगा। डीजे ज्यादा प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हो रही मेरे हिसाब से, क्योंकि उसका बजट कम था। अब कलेक्शन की बात करते हैं ट्यूबलाइट और डीजे के। ट्यूबलाइट ने 106 करोड़ इंडिया में कमाए एक हफ्ते में। वहीं अगर डीजे की बात करें तो डीजे ने जो कलेक्शंस किया है 50 करोड़ के ऊपर कलेक्शंस किया है 7 दिनों में। अब हम बात करते हैं दोनों फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के ऊपर। ओवरसीज कलेक्शन बता दो पहले आपको। ओवरसीज में डीजे ने 10 करोड़ कमाया है और 29 करोड़ कमाया है ट्यूबलाइट ने। अब वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात करें तो ट्यूबलाइट ने जो कमाई की है 178 करोड़ की है और डीजे ने कमाई की है 102 करोड़। जरूर डीजे 102 करोड़ से काफ़ी पीछे है, लेकिन कम बजट होने की वजह से, जैसे मैंने आपको कहा कि इसका कलेक्शन मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। एक साउथ फिल्म होने के हिसाब से ये अच्छा कमाई कर रही थी और कहीं ना कहीं अगर आपने देखा होगा तो पहले और दूसरे दिन यूएसए में इसने ट्यूबलाइट से ज़्यादा बढ़िया कलेक्शन किया था। तो इससे साफ है कि यूएसए में बहुत अच्छी ऑडियंस है साउथ फिल्मों की। और बॉलीवुड फिल्मों को अगर पीछे कर लें, जहाँ पे 340 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी यूएसए में ट्यूबलाइट, उसको पीछे कर दिया अगर 150 स्क्रीन पर ही रिलीज होकर, तो आप समझ सकते हैं बड़ी बात है। लेकिन ये कुछ लेखा जोखा था कलेक्शंस का, जहाँ पे डीजे ने 102 करोड़ कमाई की, यानी कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे 100 करोड़ कमा लिया है। वहीं ट्यूबलाइट ने 178 करोड़ कमा ली है। आप कितने खुश है या ना खुश है इसके दोनों के कलेक्शन से, आप जरूर बता सकते हैं। इसी तरह की वीडियोज आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।